प्रधानमंत्री मोदी की मां का आज सुबह निधन हो गया। 100 साल की हीराबेन ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं गुजरात के गांधीनगर के शमशान में मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि पीएम मोदी ने दी। इससे पहले भाइयों के साथ मिलकर मां के पार्थिव शरीर को पीएम मोदी ने कांधा भी दिया। मां को अंतिम विदाई देकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस तरह नम आंखों से प्रधानमंत्री मोदी ने मां हीराबा को पंचतत्व में विलीन होते देखा, फिर कर्तव्य पथ पर राजधर्म निभाया। देखिए ये रिपोर्ट। कर्तव्य योगी की मां को श्रद्धांजलि, पहले बेटे का फर्ज फिर राजधर्म। कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी, पीएम ने दी वंदे भारत की सौगात, अहमदाबाद से दी हरी झंडी। आज तड़के पीएम मोदी की मां हीराबा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निधन की जानकारी मिलते ही पीएम अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनके छोटे भाई पंकज मोदी के घर हीराबेन के पार्थिव शरीर को लाया गया। बता दें कि हीराबा यहीं पर रहती थी। इससे पहले अपनी मां के निधन की जानकारी खुद पीएम मोदी ने इस बारे में ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसने एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। इसके ठीक बाद अहमदाबाद से वीसी के जरिए पीएम ने पश्चिम बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी। पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, पहले से ही तय कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरा कर अपना राष्ट्रधर्म निभाया। पीएम ने पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पीएम ने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। 2,550 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनेक सिविल अवसंरचना परियोजना का शिलान्यास किया। कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। कोलकाता मेट्रो की चोका तारलता पर्पल लाइन का उद्घाटन किया। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का भी उद्घाटन किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का आभार जताया और साथ ही उनकी मां के निधन पर शोक जताते हुए उनसे कार्यक्रम छोटा रखने की अपील भी की।